नमस्कार दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ केकेआर की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। जीत के बाद केकेआर की टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2023 का 36वां मुकाबला केकेआर और आरसीबी की टीम के बीच खेला गया, जहां आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही और केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 200 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना डाले और केकेआर की टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज जैसन रॉय ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए और वहीं आरसीबी की टीम की तरफ से विनुद हसरंगा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और जवाब में 201 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत भी बेहद ही शानदार रही। लेकिन फिर उसके बाद आरसीबी की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाया, जिस वजह से आरसीबी की टीम इस रोमांचक मुकाबले में हार गई। तो चलिए नजर डालते हैं केकेआर की जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों नंबर 1 पर सीएसके की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है। और उसके बाद नंबर 2 पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीती और 2 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है। और वहीं नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। वहीं नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती और 3 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। वहीं नंबर 5 पर पंजाब किंग्स की टीम आ चुकी है, जो 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती और 3 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। वहीं नंबर 6 पर आरसीबी की टीम चली गई, जो 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती और 4 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। वहीं नंबर 7 पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हारी है और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। वहीं नंबर 8 पर केकेआर की टीम है, जो 8 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी है और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। वहीं नंबर 9 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 5 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। वहीं नंबर 10 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 5 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। तो दोस्तों इसी तरह की क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।